नीतीश कुमार जी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री की चुनाव लड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू ने अब यूपी लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जेडीयू के नेता शुरू से ही नीतीश कुमार को पीएम फेस के रूप में देखना चाहते थे और अब इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी के नेताओं ने सीएम नीतीश को यूपी फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। वहीं इस पर उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रभारी और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार कोई तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन बिहार में उनके किए गए कामों को देखकर लोगों और जेडीयू नेताओं की डिमांड है कि नीतीश यूपी से लोकसभा चुनाव लड़े। नीतीश कुमार जी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री की चुनाव लड़े। इस बात की चर्चा है तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ें, फतेहपुर से चुनाव लड़ें, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ें, तो कई क्षेत्र हैं जहाँ से चुनाव लड़ें कि उनकी उत्तर प्रदेश में चर्चा लोग चला रहे हैं। तो बिहार में जो काम हुआ है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया अपनी सरकार में, उसको लेकर लोग वहाँ के उत्साहित हैं और खास करके जो गरीब लोग हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश को यूपी की जिस फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने की जेडीयू बात कर रही है, वहीं से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। हालांकि यूपी जेडीयू के प्रभारी श्रवण कुमार का कहना है कि फूलपुर के साथ ही फतेहपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर की जनता की भी मांग है कि नीतीश कुमार वहाँ की लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़े। लेकिन इन सभी बातों के साथ श्रवण कुमार ने फिलहाल सीएम नीतीश यूपी की कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ये बात अभी नहीं बताई है, यानी सस्पेंस बरकरार है। कहा है कि ये तो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वैसे नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बना सकेंगे, तो वहीं इसका असर यूपी समेत उत्तर भारत की तमाम सीटों पर भी देखने को मिलेगा।